नमस्कार, फूड क्रेविंग्स एंड लिमिटेड में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी रेसिपी है पनीर मोमोज एंड शेजवान फ्राइड पनीर मोमोज। देखो, बहुत ही सुंदर ऐसे मोमोज यहाँ पे लग रहे हैं, तो बनाना एकदम आसान है। देखो, यहाँ पे पैन फ्राइड मोमोज भी बन के तैयार है। तो अब हम देखते हैं इसके लिए क्या चाहिए। एकदम बाजार के जैसे मोमोज यहाँ पे बन के रेडी है। तो इसके लिए हमें चाहिए मैदा। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है। हम उसमें डाल देंगे नमक, थोड़ा सा ऑयल, 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे। उसको अच्छे से मिक्स करके हम उसका डो बना लेंगे। तो इसके लिए हमें इसमें डालना है पानी, और पानी थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से चिकना डो यहाँ पे बनाना है। इसको पानी लगा के मैं अच्छे से और चिकना बना लूँगी। इसको हाथ से ऐसे मसल मसल के चिकना बना लेना है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब यहाँ पे हम बना लेंगे स्टफिंग। तो स्टफिंग के लिए यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी को जो है वो काट लिया है लंबा लंबा ऐसा, और इसमें डाल देंगे कैरेट। कैरेट को जो है मैंने ग्रेट कर लिया है। उसमें डाल देंगे हम नमक, और इसको 10 मिनट के लिए मिक्स करके छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद क्या होता है, नमक की वजह से इसको पानी छूटता है। वो पानी हम अलग कर देंगे सब्जियों से। जो सब्जी आया है वो हमें ड्राई चाहिए। अगर गीली सब्जी होंगी तो मोमो जो है फट जाते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा पानी अलग कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन बारीक कटी हुई, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और यहाँ पे हम डाल देंगे पनीर। यहाँ पे मैंने 1 छोटी कटोरी पनीर डाला है। आप चाहे तो ज़्यादा भी पनीर डाल सकते हो। हरा प्याज यहाँ पे मैंने डाला है बारीक कटा हुआ। नमक डाल देंगे थोड़ा सा, ब्लैक पेपर पाउडर और सोया सॉस आधी छोटी चम्मच, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे जो है हमारी स्टफिंग रेडी है। आप चाहे तो ज़्यादा भी पनीर डाल सकते हो। यहाँ पे मुझे वेजिटेबल्स ज़्यादा पसंद है, तो मैंने वेजिटेबल्स ज़्यादा ऐड की हैं। अब ये है जो हमारा मैदे का आटा है वो सेट हो गया है। इस तरह के हम छोटे छोटे बॉल बना लेंगे एक आकार के, और उसको हम अभी बेल लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको सूखा मैदा लगा के बेल लेना है, थोड़ा सा राउंड शेप में अच्छे से। आप चाहे तो यहाँ पे एक बड़ी रोटी बना के उसके भी छोटे छोटे बना सकते हो। देखो, यहाँ पे मैंने एक बड़ी रोटी बेल ली है, और इसको मैं ऐसा छोटे छोटे शेप में आकार दे दूंगी। इससे क्या होता है, जो सभी मोमोज है वो एक आकार में आते हैं। इस तरह से अब हम इसमें स्टफिंग डाल देंगे, और मोमोज जो है हमें राउंड शेप में बनाना है। तो इस तरह से हम इसको प्लेट कर लेंगे। आप चाहे तो कौन सा भी शेप इसको दे सकते हो। लास्ट वीडियो में मैंने इसको लंबा शेप दिया था, ऐसा करंजी के जैसा। यहाँ पे अब हम राउंड शेप दे देंगे। बहुत ही सुंदर शेप ऐसा लग रहा है। अब हम इसको स्टीम करने के लिए रख देंगे। तो एक स्टीमर को मैं अच्छे से तेल से ग्रीस कर लूँगी, और मैंने पानी गर्म करने को रख दिया है। इसमें सब मोमोज हम रख देंगे, उसको स्टीम करने के लिए रख देंगे। इसको 15 से 20 मिनट के बाद स्टीम करना है। 15 से 20 मिनट के बाद ये स्टीम होके तैयार है। हमारे जो पनीर मोमोज है वो रेड चटनी के साथ खाने के लिए एकदम रेडी है। रेड चटनी की रेसिपी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप ज़रूर चेक करना। अब हम पैन में तेल ले लेंगे। उसमें डालेंगे लहसुन बारीक कटी हुई। उसको अच्छे से 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। फिर डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च आप स्किप कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद नहीं हो तो। फिर डालेंगे शेजवान सॉस। यहाँ पे मैंने 3 छोटे चम्मच शेजवान सॉस लिया है। उसको हम डाल देंगे। तीखापन कम करने के लिए हम डाल देंगे 1 चम्मच टोमेटो केचप, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये थोड़ा पतला हो जाए। इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब हम उसमें डाल देंगे ब्लैक पेपर पाउडर, और इसको अच्छी तरह से मला लेंगे। इसमें डाल देंगे हम मोमोज जो हमने स्टीम किए थे। आप चाहे तो मोमोज़ को फ्राई भी कर सकते हो और फिर सॉस में डाल सकते हो। पर स्टीम मोमोज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं इसमें।
अब हम इसको पलट देंगे 2 मिनट के बाद और इसको दूसरे साइड से सॉस में अच्छे से होने देंगे। इसमें डाल देंगे हरी प्याज और इसको हम पलट देंगे। देखो जो हमारे पैन फ्राइड शेजवान मोमोज है वो एकदम बन के रेडी है, एकदम टेम्पटिंग लग रहे हैं और बहुत स्पाइसी भी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।